वेलकम फ्रेंड, यूसीसी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीके। इससे पहले हम इसके काफ़ी सारे पार्ट इस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आपसे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 4 की। जिन स्टूडेंट ने हमारे बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। उन सभी वीडियो को ध्यान से पूरी ईमानदारी के साथ देखने पर आपके एग्ज़ाम का जो फियर है और एग्ज़ाम को लेकर के जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो ज़रूर बिल्डअप होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और रही बात इस बुक के बारे में, इस बुक के बारे में मैं मैक्सिमम वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ। देखिए, फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको, ये बुक है घटना चक्र बुक। इस बुक में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, वो सभी क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिलेंगे। अगर ये बुक आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं और समय काफ़ी कम है, आप सेल्फ स्टडी करके इस बुक को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये बुक को परचेज कर सकते हैं मार्केट से। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको इसका लिंक दूंगा, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। अन्यथा आप वीडियो के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं। आपके पास तीन ऑप्शंस है। ऑनलाइन स्टडी, मतलब इस चैनल के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं, मार्केट में जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं, या फिर अमेज़न के थ्रू, जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे सीधे आप इस बुक के लिंक तक पहुंच पाएंगे आसानी से। तो जहां से आपको बेस्ट लगे वहां से आप इस बुक को स्टडी करिए, लेकिन इस बुक को स्टडी करना ना भूलिएगा। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम कम से कम 80-85% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में से ही लेता है। आपको कोई भी नया पेपर डिज़ाइन होता है, चाहे वो CPO का हो, MTS का हो, LDC का हो, या फिर CGL का एग्ज़ाम 2 महीने बाद जो होने वाला है वो कहना हो, उसमें आपको 85% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस करिए प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस पर, उनको बनाइए, उनको देखिए, उनको हर तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए कि वो लैंग्वेज किस तरह से हमसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। ये स्किल्स को डेवलप करेंगे, इस तरह से स्टडी करेंगे, तो डैम श्योर आपका नंबर बहुत जल्द आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में हमारा जो टॉपिक रहेगा इस बुक में, वो रहेगा उपनाम, कथन और पुस्तकें। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे एसएससी के द्वारा, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि गांधी जी का प्रिय गीत, सबसे प्रिय गीत कौन सा था। पहली बात तो ये क्वेश्चन बन सकता है, उनका जो प्रिय गीत था वो था वैश्रम जन तो किसकी रचना है। ये जो सॉन्ग है, ये जो गीत है, ये किसने लिखा था, उनका नाम क्या है। उनका नाम है नरसिंह मेहता। एक्चुअली ये जो दिया गया है SSC CPO परीक्षा 2005 में ये पूछा गया था, लेकिन ये 2005 में नहीं, बल्कि 2005 में तो पूछा ही गया था, 2011, 2007 और 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था MTS एग्ज़ाम में कंटिन्यू। तो इसके जो रचनाकार थे वो थे नरसिंह मेहता, आप याद रखिएगा। ये एक प्रसिद्ध गुजराती कवि हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा ये कौन से कवि हैं, गुजराती भाषा के, उड़िया भाषा के, मराठी भाषा के या मलयालम भाषा के, ये नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, बट CGL में ये एक बार क्वेश्चंस पूछा गया था, ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पूछा गया था, शायद 2007 का बात है, 2007 में ये पूछा गया था कि नरसिंह मेहता किस प्रकार के कवि हैं, कौन सी भाषा के कवि हैं, ये पूछा गया था, ठीक है, आप याद रखिएगा, ये है गुजराती भाषा के कवि। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है, ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे। ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। इस क्वेश्चन को आप दोबारा रीड करिएगा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि हमसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इस पुस्तक के राइटर कौन थे। इस पुस्तक के राइटर थे VD सावरकर। देखिए, आपको ABCD ऑप्शन पे फोकस नहीं करना है, आपको केवल क्वेश्चन रीड करना है, डायरेक्ट उसके आंसर रीड करना है। अगर आप ऑप्शन पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपके कन्फ्यूज होने की जो संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आपको केवल क्वेश्चंस पढ़िए, उसके राइट आंसर क्या है जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रखे हैं, केवल उसको याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। जो हम टेस्ट करते हैं उसका वास्तविक जो स्थान होता है वो जीभ नहीं होता, वो एक्चुअली मन होता है। ये किसने कहा था, ये कहा था
महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये किसने कहा था? देखिए मो के गांधी, ऑप्शन सी। इसका भी जो जवाब है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चंस को थोड़ा सा, ऑप्शन को थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, तो आपको तब भी कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चे नहीं हो, 10th पास कर चुके हो, एमटीसी एग्जाम आप देने वाले हो या फिर आप सीजीएल का एग्जाम देने वाले, तो आप लोग ग्रेजुएट हो चुके होंगे। देखिए क्वेश्चंस को कभी भी घुमा फिरा कर पूछेगा तो कन्फ्यूज नहीं होना हमको एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की कोकिला किसको कहते हैं, या भारत कोकिला किसको कहते हैं, या भारत कोकिला की संज्ञा किसको दी गई है? तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 8 है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था? ये तो उन्होंने दिया था, लेकिन 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, और यहीं से इन्होंने बोला दिल्ली चलो। क्वेश्चन नंबर 9 किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप से जाना जाता है, या फिर भारतीय बिस्मार्क की संज्ञा किस व्यक्ति को दी गई है, या फिर किस नेता को हम लोग भारतीय बिस्मार्क के नाम से भी पुकारते हैं? क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा, ठीक है, और इसका राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष की संज्ञा दी गई है कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नरोजी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? महान बुजुर्ग पुरुष, सबसे बड़े पुरुष। जैसे घर में हमारे वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है, तो भारत में भी एक व्यक्ति थे जिनको मैक्सिमम एक्सपीरियंस था, उनका नाम था दादा भाई नरोजी। जो भी आप इकोनॉमिक्स में, जो भी आप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत फॉर्मूले देखते हैं, GDP, NNPM कैसे काउंट करते हैं, तो ये सभी फॉर्मूले डिज़ाइन करे थे, इन सबको इन्वेंट करा था दादा भाई नरोजी ने, ठीक है। और इनका एक एक बात खास, इनकी बात ये भी थी कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने करा था। आपसे पूछता है कि धन का अपवाहन या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था, उस व्यक्ति का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है दादा भाई नरोजी, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। जो सोने की चिड़िया है भारत उस समय जो थी, उसको किस तरह से ब्रिटेन लूट रहा है, इसके बारे में ड्रेन ऑफ वेल्थ का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर की भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने करा था? जो इनकम टैक्स होती है, राष्ट्रीय आय जो होती है हमारी, भारत की जो आय होती है, GDP, NNP वगैरह, किसने दिया था? आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है और भारतीय नाम आपको दिखाई देता है, उसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे देता है अगर दादा भाई नरोजी, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं, डैम श्योर आपका वो राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था, पहला भारतीय कौन था? देखिए ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नरोजी। क्वेश्चन नंबर 13 कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नरोजी। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? दादा भाई नरोजी। देखिए कोई भी अगर सिद्धांत पूछे, आपको लगे कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है, तो आपके सामने अगर दादा भाई नरोजी दिखाई दे, दादा भाई नरोजी दिखाई दे, अगेन बोल रहा हूँ, और उस पर डायरेक्ट आपको क्लिक करके आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा और क्वेश्चंस को थोड़ा सा इसने लैंग्वेज चेंज कर दी, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अगेन दादा भाई नरोजी। ये पर्सनैलिटी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नरोजी। तो ये पर्सनैलिटी मैं अगेन बोलूँगा काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए उपनाम और नाम, सीमांत गांधी किसको बोलते हैं, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है? देखिए अभी हमने पढ़ा कि भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है, वो थे दादा भाई नरोजी। तो अगर अभी आप गौर से इसको देखें,
थोड़ा सा आपको ट्रिकी बनना पड़ेगा यहाँ पर अपनी स्टडी को लेकर के। देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने अभी स्टडी करा, और दादा भाई नौरोजी बी का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। अब देखिए, बी में 3 कहाँ पर है? बी में ऑप्शंस बी में 3 आपके बी में भी है और डी में भी है, ठीक है। और हमको पता है कि भारत का लौह पुरुष बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल को। डी का 2, देखिए डी का 2 होगा इसका राइट आंसर। तो डी का तो यहाँ पे हमको मिल गया 2, लेकिन यहाँ पर क्या है? डी का 4। तो हमको बस केवल 2 ही देखने के बाद हमको पता चल गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। वल्लभ भाई पटेल को एक्चुअली लौह पुरुष इनको इसलिए बोलते थे क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था और ये गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते थे। देखिए, जो ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रखा है, सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे अब्दुल गफ्फार खान, भारत का सबसे बृहद व्यक्ति बोलते थे दादा भाई नौरोजी को, महामना थे मदन मोहन मालवीय, और भारत के लौह पुरुष से वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गांधी को माना जाता है क्या? दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ करा था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने करी थी? उनका व्यक्ति का नाम क्या था? उन व्यक्ति का नाम था लॉर्ड डलहौजी। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सबसे पहले सतारा को अपने अधिकार में लिया था। आपसे केवल ये पूछेगा, चलिए पूरा पढ़ लेते हैं फिलहाल, अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स या व्यपगत सिद्धांत, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स का सिद्धांत किसने दिया था या फिर इसको आरंभ किसने करा था, इसकी जगह पे हिंदी में आपसे पूछ सकता है कि व्यपगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा, 1949 में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, लेकिन इम्पोर्टेंट केवल है आपका सतारा, ठीक है। इसमें क्या करा था? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, अंग्रेजों ने इस पर अपने अधिकार प्राप्त कर लिया था। सबसे पहला जो अप्लाई हुआ था वो हुआ था सतारा में 1848 में। इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध को भी विलय कर लिया गया था, ठीक है। विलय का मतलब उस पर पूरा अधिकार जो था अंग्रेजों का था। उन्होंने शुरुआत करी थी 1848 में हथियाने की, स्थान को अपना बनाने की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें अंग्रेज लोग स्थान पे पूरे राज्य पे अपना कब्जा स्थापित कर लेते थे। ये शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी सतारा। और भी काफ़ी टॉपिक है डिटेल में इसका, इस डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आनंद मठ पुस्तक के राइटर कौन थे, लेखक कौन थे, रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए कोई विश्वास नहीं करेगा। जब देखिए महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो एक व्यक्ति ने ये बोला था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। और ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा किसने दी थी? मतलब आधे नंगे फकीर, वो केवल धोती पहनते थे, ऊपर अपने जिस्म पर कुछ नहीं पहनते थे, तो इसलिए उनको बोलते थे आधे नंगे फकीर। ये बात किसने कही थी उनके बारे में? उसका नाम क्या था? उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने अलग अलग बातें कही थी। दोनों ने क्या बातें कही थी ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ये SSC CGL में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 MTS के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रिजन डायरी किसने लिखी थी? ये लिखी थी जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, करेंगे या मरेंगे, करो या मरो। देखिए, करेंगे या मरे का नारा किसने दिया था? तो ये आपको पता होगा, ये दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो पूछो पूछे आपसे या पूछे आपसे करेंगे या मरेंगे, ये नारा किसने दिया था, ये मंत्र किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। कौन से आंदोलन के अवसर पर दिया था, कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ग्रीन पेन से जो हाईलाइट करा गया वो देखिए आप 1942 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
किसने नारा दिया था? ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर केवल घुमा फिरा के उसने पूछ लिया, ठीक है, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वापस वेदों की ओर लौटो पार्ट 3 में हमने ये क्वेश्चन रीड करा था, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बैक टू वेदास। अगर आपसे एग्जाम में इंग्लिश में पूछे कि बैक टू वेदास का आवाहन किसने करा था, नारा किसने दिया था, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक या संपादक कौन थे? इनका नाम था लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विल्सन। और देखिए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? 1785 ईस्वी में विल्सन ने करा था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था, किस अंग्रेज ने करा था, उसका नाम पूछे तो याद रखिएगा चार्ल्स विल्सन। और कब करा था आपसे पूछे तो इसका जो वर्ष होगा वो होगा 1785। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? वो ग्रंथ था भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 32, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? और ये संकलन करा था गुरु अर्जुन देव ने। और ये गुरु अर्जुन देव कौन थे? ये पांचवे गुरु थे। सिखों के पांचवे गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। आपसे पूछे कि सिखों के पांचवे गुरु कौन थे, ये थे अर्जुन देव। कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछ रहा है कि मैच करिए मिलान कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देखिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। मैं ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ जो हमने पार्ट 3 में रीड करा था, ठीक है, और हमने उसमें रीड करा था केशव चंद्र ब्रह्मा समाज। ए का आंसर 2 है, बी का आंसर 4 है। ए का आंसर 2, बी का आंसर 4, हमको ऑप्शन में से चूज करना है राइट आंसर क्या, तो इसका राइट आंसर निकलेगा सी, ठीक है। अगर आपको इस तरह से याद करने में दिक्कत है कि ऐसे एरर बना करके आप कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ये जो दिया गया है स्तंभ 1 और 2, केशव सेन ब्रह्मा समाज दयानंद सरस्वती, ये इसका राइट आंसर है। आप इसको डायरेक्ट ही पेन डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हो सके तो आप कम से कम 2 बार वॉच करिएगा पेन डाउन। अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं अपने, उसके बाद में आप इस वीडियो को 2 बार और वॉच करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार वीडियो को वॉच करके विदाउट पेन पेपर उठाए मैं याद कर लूँगा, तो शायद ये आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। अगर आप एक बार में वीडियो को वॉच करके सारे क्वेश्चन याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर फोकस करिए। कैसे भी करिए, बुक के द्वारा, वीडियो के द्वारा, या फिर सेल्फ स्टडी आपको करनी है वैसे करिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? इसका राइट आंसर है दंभी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? समाचार पत्र का संपादन प्रिंटिंग करी थी महात्मा गांधी ने, उस समाचार पत्र का नाम क्या है? उसका नाम है नवजीवन। और 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था, इसका संपादन हुआ था, इसकी प्रिंटिंग हुई थी कौन सी भाषा में? हिंदी और गुजराती। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाने के बाद अल बलाग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1913। क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है, रियल नेम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, बचपन का नाम क्या था, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो उसका राइट आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त याद रखिएगा। अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले खेजड़ी के राजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। इन्होंने किसके कहने पर विवेकानंद अपना नाम रखा था वो याद रखेगा। अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में सबसे पहले खेजड़ी के राजा थे, उन्होंने इसका सुझाव दिया कि आपका नाम काफी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी बोला होगा इसके बारे में, मुझको पता नहीं क्योंकि मैं तब शिकागो में नहीं था, ठीक है। और ये बात थी 1893 में, और तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो मुझे कैसे पता होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि देशबंधु की उपाधि किसके सम्मान
सांस संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बच्चों सी आर दास। अब याद रखिएगा सी आर दास इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। देखिए ये क्वेश्चंस पूछा गया था एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2017 एग्जाम में। ये क्वेश्चंस काफी कंफ्यूज रहा था उस टाइम पे। इसका राइट आंसर क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी इसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1896-97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का एक आंदोलन चलाया गया था। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा कौन से आंदोलन में कर न देने के रूप में महाराष्ट्र में ये आंदोलन चलाया गया था। इनका प्रसिद्ध कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 40 में अभी देखा। ठीक है, 40 में से बोला कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये पूरा कथन था। लेकिन कभी कभी वो पूरा कथन नहीं देता हमको, देता है केवल कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका था? यह कथन हमने 40 में अभी देखा, क्वेश्चन नंबर 40 में ये कथन था लोकमान्य तिलक का। और कितनी बार पूछा गया वो आप देख सकते हैं एसएससी के एमटीएस 11 में, 99 में, 2000 में, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेंगे या मरो का नारा किसने दिया था वो भी आपको पता था, इसी पार्ट में हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे सामने कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका नाम था यंग इंडिया। ये समाचार पत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, जो सन 1933 तक संपादित हुआ, मतलब प्रिंट हुआ। उसके बाद में उसको किसी कारणवश रोक दिया गया था। देखिए इस वीडियो में हमने देखे टोटल 42 क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये थे पार्ट फोर, ये था पार्ट फोर। इससे प्रीवियस पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए घटना चक्र की, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो हिस्ट्री से संबंधित और अदर सब्जेक्ट से संबंधित आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे। तो आप वो भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी वीडियो इम्पॉर्टेंट है तो वो भी आप आराम से देख सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसी के साथ लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अगेन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लेलिस्ट चेक करिए, उसके बाद डिसाइड करिए सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उसके तुरंत बाद उसके बाजू में उसके बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर बेल आइकन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले मिलेंगे आपको हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।